नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सूचना मिलते ही बैतूल गंज थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में अवैध रूप से IPL का सट्टा खिलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से सट्टा रकम एवं सट्टा सामग्री जब्त की गई है। दोनों आरोपियों के कब्जे से 2,86,000 रुपए की रकम जब्त की गई है। DSP विवेक गौतम ने संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज अवैध जुआ सट्टा शराब की तलाश पतासी करते हुए मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गंज बैतूल में लोगों को रुपए पैसों का हार जीत का लालच देकर IPL सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के आदमी को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रिजवान खान, पिता महबूब खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी महावीर वार्ड टिकारी बैतूल का होना बताया, जिसे पूछताछ करने पर उसके द्वारा लोगों को लालच देकर IPL सट्टा खिलाना बताया। रिजवान की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक हिसाब किताब की डायरी, लीड पेन, एक मोबाइल फोन व नकदी रुपए 2,47,500 मिले, जिन्हें जब्त किया गया। आरोपी रिजवान के विरुद्ध सट्टा एक्ट एवं IT एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इसी प्रकार मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रामनगर गंज बैतूल में लोगों को रुपए पैसों का हार जीत का लालच देकर IPL सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अभिषेक, पिता अशोक नांगले, उम्र 24 वर्ष, निवासी रामनगर गंज बैतूल का होना बताया। पूछताछ करने पर उसके द्वारा लोगों को रुपए पैसों का हार जीत का लालच देकर IPL सट्टा खिलाना बताया। अभिषेक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक हिसाब किताब की डायरी, लिट पेन, एक मोबाइल फोन व नकदी रुपए 30,700 मिले, जिन्हें जब्त किया गया। आरोपी अभिषेक के विरुद्ध सट्टा एक्ट एवं IT एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। हमारा अभियान चल रहा है IPL के दौरान सट्टा पकड़ने का। जैसे कि बहुत सारी सूचनाएं आ रही थी कहीं ना कहीं से मुखबिरों द्वारा, आप लोगों के माध्यम से भी, कि सट्टा चल रहा है जोरों से, तो उसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया था अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अध्यक्षता में। तो उसी तारतम्य में ये कार्यवाहियाँ चल रही हैं लगातार, पहले भी कार्यवाहियाँ हुई हैं। दो केस हैं आज के, जिसमें दो अलग अलग आरोपी हैं। तो पहला मामला ये है कि एक रिजवान खान, पिता महबूब खान, ये निवासी महावीर वार्ड टिकारी के हैं। तो इनके बारे में पता चला था कि ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास कहीं गंज में ये IPL का सट्टा हार जीत का दांव लगा रहे हैं। तो सूचना के आधार पर टीम रवाना हुई और इनको जाके पकड़ा गया, वहाँ पे तलाशी ली गई। तो इनके पास एक मोबाइल मिला जिस पे ये IPL वगैरह का चल रहा था और पुराने हिसाब किताब भी थे उसमें, और इनके पास से एक डायरी, पेन और मोबाइल फ़ोन के अलावा नकदी में 2,47,500 रुपये मिला है। इसके अलावा जो दूसरे हमारे आरोपी हैं, अभिषेक नागले, पिता अशोक नागले, ये रामनगर गंज के निवासी हैं। इनका भी तलाश की गई तो इनके पास से भी लगभग 38,700 रुपये मिले हैं। एक मोबाइल फ़ोन मिला है और एक डायरी और पिन इनके पास मिला है, और इसमें भी इन्होंने हार जीत का दांव लगा रहे थे। तो इससे इनको मौके से लाकर और अपराध की कायमी की गई और गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, हम बहुत ही करीब हैं पहुंचने के। जैसे इन लोगों से भी पूछताछ अभी की जा रही है और कहां से क्या इनके कनेक्शन हैं उसको निकाला जा रहा है। जो भी नंबर्स वगैरह हैं, है ना, ID पासवर्ड वगैरह हैं, उनके तलाश की जा रही है। उसके आधार पे अगर कहीं भी हैं, बैतूल में हैं, नहीं हैं, बैतूल के बाहर हैं, अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ID पासवर्ड कहाँ का यूज़ करते हैं? अब ये ID पासवर्ड वगैरह ये ऐसे ही कुछ लोगों से लेते हैं, जहाँ तक इन्होंने अभी पूछताछ में बताया है कि ये कुछ पैसे खर्च करके और ID पासवर्ड वगैरह खरीदते हैं ऊपर के लोगों से। R9 भारत राष्ट्रीय न्यूज चैनल, डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो चीफ रामेश्वर लक्षणे, बैतूल, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।